मस्त मस्त। एक मिनट वहीं रुक जा, थोड़ा आगे आगे, बस 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 बस। अरे अरे छाव आ रही है। हेलो मैडम। हेलो कैसे हो मैडम? अरे मोबाइल है पीछे यार, बहुत भूख हो गया। आपको नहीं कैसे काम कर रहा है। चलो एक एक स्टेप पीछे तो चलो। यहाँ पे रुकिए मैम, मस्त इस तरह साड़ी वाली मैम, यहाँ पे सेंटर में साड़ी साड़ी है। हाँ व्हाट इज द प्राइस साड़ी? दिस वन एक्चुअली 50 रुपीस। ओह दिस इज, आई हैव अ वीडियो ऑफ हर सेइंग दैट आल्सो। एक्चुअली मेरे तीन रिलीजेस थे एक महीने में, तो बहुत टाइम नहीं मिला स्टाइलिंग सब के लिए। तो एक दिन मेरी नानी घर पे थी और वो देख रही थी, हम लोग कपड़े ट्राई कर रहे थे, और उसको पता है कि मेरी जो नेक्स्ट फिल्म है वो हिंदी लैंग्वेज में नहीं है, कोई और लैंग्वेज में है। तो वो कह रही थी कि तुम लोग क्या कर रहे हो, कपड़े ट्राई कर रहे हो, टाइम वेस्ट कर रहे हो, पढ़ना है। तो ऐसे नहीं नहीं देखना है कि कौन से दिन पर क्या। तो उन्होंने मुझे कहा कि मेरे साड़ीज़ हैं, पहन लो, टाइम वेस्ट मत करो कपड़ों पर, फोकस एक्टिंग पर रखो। तो वो अपने पुराने साड़ीज़ इतने सारे तीन थप्पी लेकर आई और शी टोल्ड मी, एंड ये मेरा खुद का टी शर्ट है एक्चुअली जो मैंने ब्लाउज़ के जैसे पहन लिया, एंड ये मेरी नानी की साड़ी है। इट्स वेरी ओल्ड, इट्स आई आस्क हर एग्जैक्टली हाउ ओल्ड, बट आई रिमेंबर जब मैं बहुत 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 छोटी थी, लाइक 2 and 3 years की थी तब की है, एंड इट्स अ 15 rupee साड़ी दैट आई नो। आई शुड गेट अ वीडियो ऑफ हर सेइंग इट ऑल्सो, लाइक 15, हाँ इवन व्हेन शी सेड 15 आई सेड 15। So she said, "Haan, 15 was very expensive then, whenever she got this saree." So yeah, I have lot of her sarees now, and I thought ki main pehenti hu, aap log bhi khush hote ho, and acha bhi dikhta hai, and it saves me less, it saves me some time. So I enjoy wearing it. Ada, aapne back-to-back release diya hai, Kerala Story, whether it is Kerala Story, Buster, Sunflower Season 2. How is your experience, or it's been a long journey? आई एम रियली हैप्पी कि मुझे ऑडियंस एक्सेप्ट भी करते हैं अलग अलग किरदारों में, बिकॉज वो कभी मुश्किल होता है एक एक्टर के लिए, बिकॉज एन ऑडियंस उनको सिर्फ एक तरीके के रोल में पसंद करते हैं। सो लाइक केरला स्टोरी के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था, एक्चुअली 1920 के बाद बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा था कि नहीं अभी तुम सिर्फ वैसे ही फिल्म मेक करोगी, या केरला स्टोरी के बाद भी पीपल सेड कि नहीं अभी ये सीरियस वाले रोल्स, एंड फिर सनफ्लावर केम, एंड सनफ्लावर हैज़ लॉट ऑफ कॉमेडी एंड क्रेजीनेस इन इट, एंड फिर बस्तर भी आई जो बहुत सीरियस है, एंड केरला स्टोरी थिएट्रिकल के बाद कमांडो भी था जहाँ पे एक्शन है। तो आई थिंक आई एम रियली ब्लेस्ड, एक साल भी नहीं हुआ है, 8 महीने हुए हैं जब से केरला स्टोरी थिएटर में रिलीज़ हुई थी। सो आई थिंक आई एम वेरी ब्लेस्ड कि इतने सारे डिफरेंट रोल्स मिल रहे हैं, एंड आई होप कि फ्यूचर में भी ऐसे रोल्स मिले जहाँ मैं अलग अलग अदाएँ जैसे आपने कहा मैं पेश करूँ। नहीं, अलग रोल के लिए तो मैं तरसती हूँ, कैसे रोल मिले वो क्वेश्चन है। जब रोल मिलने के बाद तो एज एन एक्टर आप मेहनत करो, हर रोल के लिए ऑफकोर्स डिफरेंट तैयारी होती है, बट मैं वेट करती हूँ कि कुछ एकदम कुछ अलग हो जो अदा से अलग है, तो उस पर मेहनत करके कुछ और नया कुछ कर सके। यस हाँ एब्सोल्युटली, फर्स्टली मैंने इतना बोल्ड और एक हॉट अंदाज में एक चार्मिंग लड़की बार डांसर का रोल भी मैंने नहीं किया है पहले, एंड वो काफ़ी अजीब किस्म की है, आई मीन लोगों के आई बॉल सब रख रही है और मर्डर में इन्वॉल्व है,
तो पर मुझे बहुत मज़ा आया, मैंने बहुत साइकोपैथ की डॉक्यूमेंट्रीज देखी और हाँ आई वॉच आई मेट अ लॉट ऑफ बार डांसर्स रियल लाइफ में भी, मुझे देखना था बिकॉज जैसे हम बैठते हैं उठते हैं चलते हैं अपनी बॉडी से हम लोग थोड़े, मैं तो हूँ थोड़ी कॉन्शियस, आई मीन थोड़े से तो हम लोग हैं, हम लोग इतने फ्री नहीं हैं। एंड मैंने देखा उन लड़कियों का जो अंदाज था जब भी वो डांस नहीं कर रहे थे तब भी, लाइक वो ऐसे ही बैठ रहे हैं, जब किसी से बात भी नहीं कर रहे पर वो बैठ रहे हैं, उनका बॉडी लैंग्वेज बहुत ओपन था, तो आई ट्राइड कि मैं वो अपने बॉडी लैंग्वेज में लूँ। एंड डांसिंग के लिए ऑफकोर्स आपको कोरियोग्राफर स्टेप्स देंगे तो आप वो कॉपी करके वो आप वो अदाएँ कर सकते हैं, बट बहुत ही आपको बहुत लाइक आई डोंट नो आई वुड से द इट गोज़ टू द डायरेक्टर द राइटर विकास बहल और चैताली ने जो कैरेक्टर बनाया वो रोज़ी का, वो बहुत यूनिक कैरेक्टर है, वो बहुत ही अलग किस्म की कुछ, वो कुछ है कुछ अलग है, तो इट वाज सो वेल रिटन कि एक्चुअली आई टू जस्ट प्ले इट। इट्स अदा आपकी कैरेक्टर